हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 40 साइज की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया हुआ है और मेजरमेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यही मेजरमेंट मैंने ली हुई है। और सबसे पहले हमें बैक पार्ट की लेंथ लेनी है, तो हमने यहाँ पर 14.5 इंच लिया हुआ है। तैयार ब्लाउज हमारा 13.5 इंच का रहेगा और शोल्डर हमने यहाँ से 7.5 इंच लिया हुआ है। और इसके बाद हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और आर्म होल यहाँ से हमने 6.5 इंच ली हुई है और इस तरह से 1 इंच डाउन की हुई है और इस तरह से आर्म होल का शेप दे देना है। इसके बाद कमर का मेजरमेंट लेना है, तो ये देखिए 7.5 इंच में हमने एक मार्कर लिया हुआ है, प्लस 1 इंच बैक साइड की टक्स के लिए, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। और इसके बाद चेस्ट का 1/4 लेना है, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है। और मार्जिन वाले लाइन को इस तरह से जॉइंट कर देंगे आपस में। और नेक विड्थ हम यहाँ से 3.5 इंच लेंगे, ये देखिए। और लेंथ हम यहाँ से 4 इंच लेंगे और इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है, राउंड शेप कर देना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने राउंड शेप कर दिया हुआ है और बैक पार्ट की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो साइड साइड से हमें फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी कटिंग हो गई है बैक साइड की। और अब हम बैक पार्ट को रखते हुए फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने बैक पार्ट को रख दिया है। और इस साइड हमें हाफ हुक की पट्टी के लिए 1/2 इंच लेना है और नीचे की साइड से 1 इंच लेना है हमें। और चारों साइड से एच टी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये देखिए, हमने लाइन ड्रॉ कर लिया हुआ है और इसके बाद इस फैब्रिक को हमने हटा दिया है और 1/2 इंच हमने आर्म होल डाउन की हुई है। अब हमें बस्ट पॉइंट पर मार्क करना है, 10.5 इंच में हमने मार्क कर लिया हुआ है। नीचे की साइड से हमें 3.5 इंच पे मार्क करना है और ऊपर की साइड 4 पॉइंट पर। और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इस लाइन को आर्म होल की साइड हमें इस तरह से राउंड करते हुए ले जाना है। और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे एक मार्क करनी है और 2 इंच ऊपर ले जाना है और इस तरह से हमें राउंड कर देना है, प्रिंसेस कट का शेप देना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें प्रिंसेस कट का शेप देना है और सेंटर पे एक मार्क कर लेनी है। और जितना हमने एक्स्ट्रा लिया है उतना इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे और 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने 1/2 इंच तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली हुई है। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना बहुत ही इजी हो जाता है, तो आप एक बार जरूर ट्राई करें। अब हमें इस साइड कटिंग कर लेनी है और सेंटर से भी हमें इस तरह से अच्छे से राउंड करते हुए कट लगाना है। ये देखिए, यहाँ पे हमें एक कट लगाना है ताकि हमें पता रहे कहाँ पे हमारा सेंटर आ रहा है। तो इस बात का आप ध्यान बिल्कुल रखें। और ये पार्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बचा हुआ फैब्रिक को इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिया हुआ है। ये फैब्रिक डबल फोल्ड है और इस तरह से हमें 4 फोल्ड कर लेनी है। और इसके बाद हमें इसका लेंथ लेना है, तो हमने यहाँ पे 9.5 इंच ली हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसी तरह से हमें नीचे की साइड भी 9.5 इंच लेना है और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और इसके बाद हमें मोहरी लेनी है 6 इंच, प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन।
और इस तरह से 3.5 इंच पे एक मार्क करना है और 3.5 इंच पे गहराई दे देनी है और इस तरह से मार्जिन वाले लाइन को मार्जिन में मिला देना है और इस तरह से हमें स्लिप्स का शेप दे देना है। तो ये देखिए कितना आसान तरीका है स्लिप्स कट करने का। तो ये देखिए स्लिप्स भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।